दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ गोभी लगाई थी और देखिये वो गोभी अच्छे से ग्रो कर गई है। अब इनको मैं अलग अलग कर दूँ क्योंकि थोड़ी गहरी है, जब तक ये गहरी रहेगी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इनके बीच से हम एक एक जो गोभी का प्लांट है वो निकाल लेंगे और दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि उनके पास भी जो उन्होंने गोभी लगाई थी और वो गोभी है वो ग्रो कर गई थी उनकी, वो पूछे थे अब उनकी केयर कैसे करें। देख, केयर यही करनी है कि अगर आपने भी इस तरह से सीडलिंग तैयार की है तो पहले सीडलिंग को अलग अलग जगह पर लगा दीजिए, उसके बाद आप उसको जो वाटरिंग है वो ज़्यादा मत कीजिएगा। तो चलिए अब इनको हम सीडलिंग को निकालते हैं यहाँ से। दोस्तों देखिए, मैंने रूट बाल के साथ में ही इसको निकाल लिया है तीन प्लांट, तो इनको हम साइड में कर देंगे। इस तरह से इनके बीच बीच के जो प्लांट है वो मैं निकाल लेता हूँ ताकि इनको भी स्पेस मिल जाएगा और जो गोभी हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। दोस्तों मैं इनको यहाँ से निकाल लेता हूँ और फिर हम इनको लगाते हैं दूसरी जगह पे। दोस्तों जो सीडलिंग है इनको मैं इस क्यारी के अंदर लगाऊंगा। एक्चुअली मैं इस क्यारी के अंदर मैंने क्या जो टोमेटो है वो लगा रखे हैं, लेकिन टोमेटो के बीच में मैंने काफी स्पेस छोड़ रखा है तो उनके बीच बीच में मैं इनको लगा दूंगा। जब तक टोमेटो ग्रो करेंगे तब तक जो गोभी है इनका टाइम हो चुका होगा, यानी कि इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो चलिए इनके बीच बीच में मैं गोभियाँ जो लगा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने जो रूट बाल के साथ इसको निकाला है तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक होल करना होगा इस तरह से, उसके बाद जो प्लांट है इसको रख देंगे साइडों में, मिट्टी जो है वो डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से सीडलिंग निकालने का बेनिफिट ये है कि आपका जो प्लांट है उसका मरने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा अब और जल्दी ग्रो करेगा। ये देखिए, इस तरह से मैं जो प्लांट है वो बाकी के भी लगा देता हूँ। गोभी है वो लगा दी है और इसमें वाटरिंग भी कर दी है। अब नेक्स्ट वाटरिंग इसके अंदर हम तब करेंगे जब इसमें जो सोइल है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।